जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें जो है खून खराबा, हत्या या फिर सड़कों पर जो है तमिल के लोग जो हैं झारखंड वासियों को, हमारे गढ़वा वासियों को मारते पीटते आ रहे हैं। इस संबंध में अभी तक आपके सत्ता पक्ष का कोई ऐसा बयान नहीं है, क्या कुछ आश्वासन देंगे? उन लोगों का कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ी जटिल समस्या देश के लिए आ गई है। तमिलनाडु कोई विदेश में नहीं है, वहाँ वीजा नहीं लगता है। या तमिलनाडु भारत का अविभाज्य अंग है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरा भारत एक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाने वाले हमारे देश के महान पुरुषों के द्वारा एक परिकल्पना तैयार की गई थी कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य देश है और हर देश के नागरिक कहीं भी आने जाने का काम करने का छूट होता है। अब आप देखे होंगे गढ़वा में जितने भी अभी पेयजल जल योजना चल रहा है उसके लिए जितने भी बोरिंग की गाड़ियां चल रही हैं चाहे पूरे राज्य में, वहाँ तमिलनाडु की ही गाड़ियां हैं, तमिलनाडु के ही लोग उसका संचालक भी हैं और उनको गांव-गांव सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में हो, नक्सली प्रभावित एरिया हो, जंगल हो, सब जगह जाके सुरक्षित अपने करोड़ों रुपए की गाड़ी के साथ पहुंचते हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा करके सुरक्षित घर जाते हैं। अगर तमिल के लोग जो हैं आज हमारा झारखंड लोगों का विरोध कर रहे हैं, अगर उन लोगों का यहाँ पर विरोध होने लगेगा तो क्या ये संभव है, ये या फिर ऐसे करना क्या उचित रहेगा? ये जो संस्कार है ना, राज्य के जो शीर्ष पर बैठते हैं उनके द्वारा संस्कार पैदा किया जाता है। अभी आप जानते होंगे जैसे कि राज्य में है माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, यहाँ पर निडर होकर के, निर्भय होकर के जो भी आ रहे हैं, लोक सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सबको सम्मान पूर्वक जो भी जीवों का उपार्जन का व्यवस्था है उसको निभा रहे हैं। लेकिन केंद्र के सरकार के द्वारा जो मापदंड तैयार की गई है उसमें कहीं ना कहीं उनकी लूज फॉल्ट है जिसके कारण आज राज्य राज्य से लड़ रहे हैं, भाषा भाषा से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कह रहे हैं कि 2047 में हिंदू राष्ट्र हम बना देंगे और आज हिंदी ही बोलने वाले लोगों को पीट पीट कर मारा जा रहा है। ये केंद्र स्तरीय सूचना है, केंद्र स्तरीय खबर है, विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर चल रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो 2047 में हिंदू राष्ट्र बनाने के अग्रसर है तथा कथित रूप से आज प्रमाण है कि 2023 में उनका हिंदू राष्ट्र फेल हो रहा है और नगण्य हो चुके हैं इस मामले में कि आज हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तान में पीटे जा रहे हैं। अच्छा, ये हमें बताएं, आप वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है? निश्चित क्या वीडियो में किस हिसाब से और क्या देखा? वीडियो में, वीडियो ही छोड़ दिए, कल रात में एक थाना में, गढ़वा सदर थाने में भी मुझे एक व्यक्ति मिला था जो बंधक बनाए हुए है, सिर्फ इस बात से डर के कि हम बाहर निकलेंगे तो हमको मार दिया जाएगा। तो उसमें हुआ क्या है कि जो लड़का गढ़वा से गया वो अपने रिश्तेदार के माध्यम से वहाँ नौकरी पर गया था और वहाँ जो नौकरी कर रहा है तो जो स्थिति रहा है तो उसके जो गार्जियन रिश्तेदार थे वो इसलिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि मेरे जिम्मेवारी से अगर गढ़वा से तमिलनाडु गया है, अगर हम निकाल देंगे तो गढ़वा में अपने रिश्तेदारों को कैसे मुँह दिखाएंगे। इस कारण उसको बंधक बनाया गया है। कल माननीय मंत्री जी के हम माध्यम से सूचना भी प्रेषित किया है कि गढ़वा के कुछ लोग इस तरह से भी फंसे हुए हैं जो कि किसी तरह से कोई गलती नहीं किए हैं लेकिन इसलिए फंसे हैं कि वो हिंदी बोलते हैं, रास्ते में हिंदी बोलने के दौरान कोई उनके ऊपर वार किया जा रहा है, हाँ, शारीरिक कोई चोट न पहुंचे इसके चलते वो सुरक्षित है। मंत्री जी का प्रतिनिधि हैं, उनके अनुपस्थिति में आप दे सकते हैं, लेकिन गढ़वा वासी जो फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है या फिर कुछ ऐसा आप लोग का एक रणनीति तैयार कर रहे हैं जो उन लोगों का बुलाने का या फिर बचाने का कुछ ऐसा आश्वासन? देखिए, राज्य हमारा बहुत सुरक्षित हाथों में है। आपको याद होगा 2 साल पहले कोरोना काल में जब पूरे देश में हमारे झारखंडवासी फंसे हुए थे तो पहला कोई व्यक्ति था जो वायुयान से और मजदूरों को बचाने का कार्य किया था, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी बहुत ही निर्भीक और संवेदनशील सरकार है और निश्चित रूप से आज हम आपके पास बयान भले दे रहे हो लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य सरकार किसी न किसी जगह बैठ करके तय कर रहा होगा कि अपने झारखंड वासियों को किस तरह से तमिलनाडु से सुरक्षित लाया जाए। सुरक्षित लाना बहुत बड़ा बात नहीं है, निश्चित वो आने वाले हैं राज्य सरकार के पहल से, आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी कि विशेष विमान के द्वारा उनको लाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले के साथ ये दुर्गति हो तो हिंदुस्तान आज किस ओर जा रहा हो, इसके लिए हमको लगता है कि तालिबानी शासन की तरह हम लोग अग्रसर हैं कि जहां पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान में पीटे जा रहे हैं, सिया सुनी की लड़ाई जिस तरह से वहां है, विभिन्न गोरा और काला का लड़ाई जैसे विदेशों में है,
दुर्भाग्य की गढ़वा हिंदुस्तान में भी यह रोग आ चुका है जहाँ हिंदी और गैर हिंदी भाषा के लोग आपस में अंतर कर रहे हों, जबकि ये जानते हुए कि हिंदुस्तान में तमिलनाडु, हिंदुस्तान में झारखंड और बिहार है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में बैठे लोग ही घोषणा किए हुए हैं कि हम बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो शर्म की बात है कि देश में इस तरह के मामले आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा शर्म की बात है कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, ना अपने आप में घातक हैं। कदम क्या उठाया जा रहा है? कदम निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की होनी चाहिए और 100% सिर्फ राज्य की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे केंद्र की जिम्मेवारी है और इंसानियत की जिम्मेवारी है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे परिवार को छोड़ करके अभाव होता है तभी शहर से बाहर जाता है और वैसे लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे तमिलनाडु के लोग यहाँ बोरिंग करने आते हैं तो सुरक्षा हमारी होती है जी, हम उनको जंगल में जा करके प्रेरित करते हैं, जंगल में जाकर बोरिंग करते हैं, जंगल में ही लोग उसको यहाँ का तो माहौल ही दूसरा है ना, हम तो देखे हैं कि बोरिंग वाले जहाँ बोरिंग करने जाते हैं गाँव के लोग उनको मुर्गा खिलाते हैं इस खुशी में कि आप ही के कारण हमारे दरवाजे पर पानी का व्यवस्था होने जा रहा है। तो यह माहौल गढ़वा और झारखंड में है, हम उम्मीद रखते हैं कि देशवासियों से खास करके आपकी बात हमारे तमिलनाडु के लोगों तक पहुँचे, तो आपसे आग्रह है कि आप एक हिंदुस्तान के वहाँ की जो सरकारें हैं अगर देख लिया जाए तो प्रशासनिक रूप से उनका जो ट्विटर है, फेसबुक अकाउंट है, उस पर तो किया जा रहा है जी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है हमारे क्षेत्र का नहीं है, अफवाह है, ऐसे ऐसे वहाँ के DGP जो हैं बयान भी दे रहे हैं। देखिए उच्च स्तरीय बात है और उच्च स्तरीय बात में बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात है कि राज्य स्तरीय ही नहीं केंद्र स्तरीय मामला है और देश हित का मामला है। मैं इस मामले को किसी तरह से राजनीतिक न करके एक संवेदनशील मामला को समझते हुए आत्मीय ढंग से इसको ठीक किया जाए और अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको बैठ करके बात करने का ही उचित रास्ता निकाला जाए जी। बिल्कुल, हम आपको वो दिन हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस समय पूरा दुनिया में लॉकडाउन जो लगा हुआ था, खासतौर अगर हम इंडिया के बात करें हिंदुस्तान का, तो झारखंड के लोग जो हैं जगह जगह पर फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ के जो CM हैं हेमंत सोरेन हैं उन लोगों का मसीहा बनकर उस समय आए थे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन लोगों का जो है उस स्थान से उठाकर जो है अपने क्षेत्र में अपने घर फैमिली से मिलाने का काम किए थे। हालांकि जो लोग जो हैं आज यहाँ कर जो CM पर मंत्री जी लोगों पर जो आश्वासन किए हैं, हालांकि वो आश्वासन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये लगातार जो वायरल हो रहा है वहाँ के लोग भी, तमिल के लोग जो हैं, चेन्नई के लोग भी हमारा क्षेत्र में हमारे झारखंड में वर्क कर रहे हैं, अगर उन लोगों का भी विरोध अगर कर दिया जाए तो लोग जो हैं रोजी रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते हैं उन लोगों का क्या स्थिति होगा और क्या आलम होगा। हालांकि ये वीडियो जो है काफी दर्दनाक है और ये वीडियो जो है ओपन रूप से शो भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका कम्युनिटी गाइडलाइन है YouTube का, क्योंकि उसमें मारताड़ हत्या ये सारा चीज दिखाया जा रहा है, लेकिन ये आमतौर पर कहा जा सकता है जो भी सरकार द्वारा आश्वासन मिल रहा है उसका आश्वासन जो है बहुत जल्द उसका असर दिखा जाएगा और क्षेत्र के अगर ये गढ़वा, पलामू, झारखंड या बिहार के लोग अगर वहां पर फंसे हुए हैं तो कम से कम जो है आपको कुछ दिन तक आप वहां पर रहने की आवश्यकता है, बहुत जल्द यहां की सरकार जो है आप लोगों का मदद करने का कोशिश। झारखंड के इनको चोट लगा एक आदमी के, यहाँ पर देखिए चोट लग गया है कमर में, इनको दर्द है नहीं उठ पाया, कल हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं, हिंदी वाला के बोलता है कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं होगा, इस कारण से हम लोग भाई है कैसी जान बचाइए हम लोग के, हमारा नेता मंत्री लोग कैसे कुछ लगाए दिमाग के, हम लोग गाड़ी से भी घींच घींच के मार रहा है, जाया वो बस में से घींच के आदमी के फेंक दिया, इसलिए हम लोग टांग टूट के लाए हैं, 10-20 आदमी है हम लोग कैसे भी यहाँ पर है, जान कैसे बचाए हम लोग के, यही अपना सरकार से विनती है।